मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे पर्वत की, माउंटेन की। जितने माउंटेन्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसको आप थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा पर्वत कैसे बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि पर्वत कहते किसे हैं, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम समझ नहीं पाते और पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन दरअसल हम उसके जानते नहीं हैं क्यों है क्या। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन हमने लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। आसपास की भूमि से, किससे आसपास, जहाँ आप खड़े हुए हैं या जहाँ पर्वत निर्मित हुआ है, आसपास की भूमि से 600 मीटर ऊपर उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है। और इसमें एक जोड़ने की कोशिश करिएगा, जिसका शीर्ष भाग नुकीला हो। आसपास की भूमि से 600 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग भूभाग जिसका शीर्ष भाग नुकीला हो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। यानी कि इससे कम ऊंचाई है तब क्या होगा, तब वो पहाड़ी हो जाएगा, जिसे हम हिल कहते हैं। अब हिल और माउंटेन में आपको अंतर समझ में आया होगा कि हिल किसे कहते हैं और किसे हम माउंटेन कहते हैं। आप कहते हैं ना हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन का मतलब है वो आसपास की भूमि से, इसको आधा किलोमीटर मोटा मोटी समझे तो आधा किलोमीटर समझे, 600 मीटर से कम है उसकी दूरी ऊंचाई, इस कारण से क्या कहा जाता है, हिल। आप बहुत सारे हिल स्टेशन गए होंगे, घूमे भी होंगे, तो उसे हिल स्टेशन इसीलिए कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। और माउंटेन और हिल में यही अंतर है, यानी पहाड़ और पहाड़ी में ये अंतर है, ठीक न। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से, कहाँ से, आसपास की जहाँ वह स्थित है वहाँ से 600 मीटर से अधिक ऊंचा है तो पहाड़ हो जाएगा या पर्वत हो जाएगा या माउंटेन हो जाएगा, और उससे कम नीचा है मतलब उसकी ऊंचाई कम है, उससे कम है तो उसे हम हिल या पहाड़ी कहते हैं, ठीक। अब ये पर्वत बनते कैसे हैं, इस पर इसको देखिएगा। तो निर्माण के आधार पर, वैसे तो पर्वत कई प्रकार के होते हैं लेकिन निर्माण के आधार पर हम तीन प्रमुख प्रकार के पर्वतों की यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला पर्वत है हमारा निर्माण के आधार पर बलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन जिसे हम कहते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो से जोड़ेंगे, आप पिछला वीडियो देखे होंगे, वहाँ पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि जब, अब आप आइएगा कहाँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बताया था कि जब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर दरअसल हमारा किससे बना है, प्लेटों से बना है। ये प्लेट हमने बताए थे दो प्रकार के हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हैं, ये भी बताया था हमने। बताया था प्लेटों का मूवमेंट, प्लेटों के मूवमेंट हमने बताया था कि दो जगह पर, मतलब ऐसा मूवमेंट हो रहा है जहाँ पर दो प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। मूवमेंट तीन प्रकार का बताया था, इसमें एक मूवमेंट यह भी बताया था कि जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के क्या हो रही हैं, नज़दीक हो रही हैं। जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक हो रही हैं वहाँ, वहीं पर दोनों प्लेटें आएंगी तो टकराएंगी, टकराने के बाद उसमें से एक प्लेट क्या होगी, नीचे जाएगी, बताया था है? और दूसरी प्लेट क्या है, उसका फोल्ड होकर भाग ऊपर उठ जाएगा। जैसे सपोज दैट ये फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है। एक उदाहरण से मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा कि एक बुक कॉपी देना हमको, एक कॉपी दीजिएगा हमको। एक उदाहरण से मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक कॉपी लेकर के आपको इस चीज़ को और बेहतर मैं समझा सकूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हो गया प्लेट का भाग हो गया, देख रहे हैं आप, इस चीज़ को देख रहे होंगे। इस पर हमने एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की ओर फोर्स काम कर रहे हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेटों को मैं एक फोर्स इधर से काम कर रहा हूँ, तो बीच वाला भाग क्या हो रहा है, देख रहे हैं ऊपर की ओर उठ रहा है। यही जो ऊपर की ओर उठता हुआ भाग है ये क्या बन जाता है, फोल्ड होकर ये माउंटेन बन जाता है। और ये चूंकि इसमें कई फोल्ड पड़ जाते हैं, इसे ये कौन सा पर्वत कहलाता है, फोल्डिंग माउंटेन कहलाता है। दूसरी चीज, एक चीज़ और बता दीजिए, थोड़ा सा यहाँ चट्टान से भी जोड़ेंगे आपको, इसको भी समझिएगा। हमने बताया था चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, इग्निक्स रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निक्स रॉक्स हमारी कठोर होती है, जैसे ही उस पर दबाव पड़ता है वो टूट जाती है,
लेकिन जो सेडिमेंटरी रॉक्स है, जो सेडिमेंट से बना हुआ है, दरअसल वो लचीली होती है, सेडिमेंट से बनी हुई है, लचीली है, तो जब उस पर दबाव पड़ता है तो वह टूटती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है, फोल्ड होकर मुड़ जाती है। तो यानी कि जितने फोल्डिंग माउंटेन हैं वो किस रॉक से बने हैं, सेडिमेंटरी रॉक से, औसादी चट्टानों से बने हुए हैं। यानी पर्वत जो हैं वो कौन सी चट्टान से निर्मित हैं, औसादी चट्टानों से निर्मित हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो जितने भी आज आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देंगे, चाहे हिमालय को ले लीजिए, चाहे आल्पस को ले लीजिए, चाहे हिंदुकुश को ले लीजिए, चाहे काकेशस को ले लीजिए, चाहे एटलस को ले लीजिए, चाहे इंडीज को ले लीजिए, चाहे राखी को ले लीजिए, ये सारे पर्वत क्या हैं, बलित पर्वत हैं। इन सारे पर्वतों का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल लें हिमालय का, तो हिमालय में इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट यहाँ टकरा रही है। हमने टिथिस सागर बताया कि हिमालय का निर्माण जितने भी फोल्डिंग, अच्छा एक चीज़ और बताते चले कि जितने भी फोल्डिंग माउंटेन हैं उनका निर्माण सागर में हुआ है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी फोल्डिंग माउंटेन हैं उसमें सब उनका जो बेस है, जिनका जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, क्योंकि वो गाद है, वो गाद ऊपर उठ गया है, और गाद ऊपर उठने के कारण उसमें अब पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियाँ हो गई, जिसके कारण उनकी मिट्टी को जकड़े रहते हैं, और हम उस पेड़ को की कटाई कर रहे हैं, ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं, चराई का काम कर रहे हैं। तो ग्रेजिंग के काम से क्या होता है कि जो जो पशु वहाँ चरते हैं वो तो एक तो चारा चर करके उसको ढीला कर देते हैं, और दूसरा खुर से अपने उसको मिट्टी को काटते हैं। जब बारिश होती है तो तभी लैंडस्लाइडिंग की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारे हिमालय में लैंडस्लाइडिंग की समस्या का एक बड़ा कारण यही है कि हमने जो पेड़ थे वो काट लिए, ग्रेजिंग का काम वहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण हमारा हिमालय जो है वो क्या हो रहा है, उसकी जो मजबूती थी, पेड़ पौधे जो उसको जकड़े हुए थे वो बेचारे उसको कमज़ोर हो गए हैं। और जैसे ही बारिश होती है या बादलों का फटना होता है, तेज़ बारिश होने लगती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है, लैंडस्लाइडिंग की समस्या बढ़ जाती है, भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। तो ये महत्वपूर्ण, ये बलित पर्वतों के निर्माण की अवस्था बताया है, ये इसकी चर्चा हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी की थी। तो एक टाइप ये हो गया बलित पर्वतों का। दूसरा जो पर्वत है उसको हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। तो सबसे पहले भ्रंश को थोड़ा समझिएगा, भ्रंश क्या होता है तब समझिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये एक स्थल भाग है, यहाँ हमने ले लिया। चूँकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे एंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रहे होते हैं, और इसी स्थलखंड के नीचे एक ऐसा एंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रहा है जो इसको नीचे की ओर दबाव डाल रहा है, तो अंत में क्या होगा कि ये भाग, किनारे का भाग स्थिर रहेगा और बीच का भाग धसक कर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। जो ये बीच का भाग धसक कर नीचे चला जाता है इसी को हम भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। तो ये भ्रंश या फॉल्ट समझ गए। अब यहाँ समझिए, इसी भ्रंश और फॉल्ट से जो पर्वत निर्मित होते हैं उसी को हम भ्रंशोत्थ पर्वत या इसे हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। कैसे, एक हमने यहाँ स्थल भाग दिखाया आपको, इसमें एक फोर्स इंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रहा है जो बीच में काम कर रहा है, बीच में किधर की ओर, ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो ये क्या होगा, किनारे के भाग इसके स्थिर रहेंगे और बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा, और बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा तो एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, और इसे हम कौन सा पर्वत कहेंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे, या इसी को हम ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। दूसरा, मान लीजिए सपोज दैट एक स्थलखंड यहाँ है और इसमें एंडोजेनेटिक फोर्स, एक एंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल काम कर रहा है जो नीचे की ओर दबाव डाल रहा है। अब यह भाग बीच का धसक कर क्या कहाँ हो गया, नीचे चला गया। अब ये दोनों किनारे जो इसके थे इसकी अपेक्षा क्या हो गए, ऊपर उठ गए। इसकी अपेक्षा दोनों ऊपर उठ गए तो दोनों किनारों पर क्या बन गया, माउंटेन बन गया, और बीच में फॉल्ट बन गया। इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारे प्रायद्वीपीय भारत में विंध्यन पर्वत, और यदि हम इसको नॉर्थ समझें तो ये नॉर्थ, यदि इधर हम नॉर्थ माने और इधर साउथ माने इंडिया के मैप को आप, तो ये हो गया आपका विंध्यन पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच का जो भाग है ये धसक कर कहाँ हो गया, नीचे हो गया। यानी विंध्यन और सतपुड़ा कैसे पर्वत हो गए, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत हो गए। और ये जो बीच वाला भाग धसक कर नीचे चला गया ये एक फॉल्ट हो गया, एक भ्रंश हो गया। इसी फॉल्ट में दो नदियाँ बहती हैं, कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती। यानी नर्मदा और ताप्ती किस में बहती हैं,
भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? नर्मदा और ताप्ती। हम आपको बताते चलें कि भारत का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर गिर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। लेकिन ये दोनों नदियाँ चूँकि भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, इसलिए वो भारत के सामान्य ढाल के विपरीत बहा करती हैं। ये पूरब से चलती हैं और पश्चिम में अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में पहुँचती है। तो ये जो किनारे के भाग हैं ये जो है ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं, दोनों किनारे के भाग। इसी तरीके से यूरोप में एक उदाहरण मिलता है। यूरोप के इस तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में पड़ता है, और इस तरफ वॉसजेस है जो फ्रांस में पड़ता है। इस दोनों के बीच का जो भाग है वो धंसक कर नीचे चला गया और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन। क्या नाम है? राइन। तो राइन भी एक फॉल्ट में बहने वाली, एक भ्रंश में बहने वाली नदी है, और यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है। यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, जो सबसे ज़्यादा यूरोप का एक तिहाई जो व्यापार होता है वह राइन नदी से होता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। अब हम तीसरे निर्माण के तीसरे प्रक्रिया पर चलते हैं, ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को हमने पिछले वीडियो में बताया भी था ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है ये हमने उसी वीडियो में बता भी दिया था। क्या बताया था? हमने कहा था जब लावा निकलता है तो उसके हम रासायनिक संरचना के आधार पर लावा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिडिक लावा और बेसिक लावा, यानी अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। हमने बताया था जब लावा अम्लीय होता है तो गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। यह लावा जब बाहर निकलता है तो बहुत दूर तक वह प्रवाहित नहीं हो पाता, वह आसपास में ही क्या होता है, जमा हो जाता है, बहुत दूर तक प्रवाहित नहीं हो पाता। तो उससे क्या बन जाता है? एक माउंटेन बनता है, एक पर्वत बन जाता है। इसीलिए आपने देखा था जब हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे तो मैक्सिमम ज्वालामुखी के नाम के आगे क्या लिखा था? माउंटेन, जैसे माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एकांकागुआ, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, ये सारे ज्वालामुखी का नाम आपको लिखाए थे। तो उसे माउंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या बन जाता है, एक निकलते निकलते एक पर्वत में तब्दील हो जाता है, इसीलिए उसे हम माउंट, उसके आगे नाम के आगे हम माउंटेन शब्द जोड़ते हैं। ये चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि हम ज्वालामुखी के नाम के आगे माउंटेन शब्द क्यों जोड़ते हैं। चीज़ अब ये तीनों निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ये पर्वत आपने समझ लिया होगा। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और वो कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है या भ्रंशोत्थ पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो हम अगले खंड में देखेंगे कि कौन से बलित पर्वत के जो एग्जाम्पल हैं, जो माउंटेन है, वो कौन कौन से बलित पर्वत में आते हैं, कौन कौन भ्रंशोत्थ पर्वत में और कौन कौन ज्वालामुखी पर्वत में। अब आप अपना एटलस निकाल लीजिएगा, इस खंड को पढ़ते समय आप अपना एटलस अपने सामने रखिएगा और कोशिश करिएगा सारे माउंटेन्स को, उसके फिजिकल पार्ट को खोल लीजिएगा, सारे माउंटेन को आप एग्जैक्ट देखने की भी यहाँ कोशिश करिएगा, एटलस के साथ इसको पढ़िएगा। हिमालय को देखिएगा, हिमालय जो एशिया में है कैसा पर्वत है, बलित पर्वतों का हम यहाँ उदाहरण देंगे जो फोल्डिंग माउंटेन बने हुए हैं, उसके एग्जाम्पल में देखिएगा हिमालय है जो कहाँ स्थित है, एशिया में स्थित है। ठीक, आल्पस है ये यूरोप में, मध्य यूरोप में स्थित है, ये भी बलित पर्वत है। राकी है, यह भी बलित पर्वत है, कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये सारे एटलस में आप देखते भी, इनकी लोकेशन भी आप देखते चले तो शायद आप ज़्यादा इसको क्लियर समझ पाएंगे। एंडीज है, ये एंडीज विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, आप उसकी लोकेशन भी देखिएगा, और ये बोलीविया से लेकर नीचे चिली तक चले जाइएगा, लास्ट तक एकदम नीचे तक एंडीज पर्वत, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,839 मीटर है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का और एंडीज सबसे लंबा पर्वत विश्व का। ये चीज़ें क्लियर हो गई। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के बारे में भी आप जान लीजिए कि यह स्थित तो रूस में है, लेकिन आप जानते हैं कि रूस जो है दो महाद्वीपों में है, एशिया में भी है और अफ्रीका यूरोप में भी है, तो एशिया और यूरोप के बीचों बीच स्थित है, यानी यूराल का पूर्वी भाग एशिया में पड़ता है और यूराल के पश्चिमी भाग यूरोप में पड़ता है। रूस का यूराल के पूर्व वाला भाग एशिया में और यूराल के पश्चिम वाला भाग किस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो ये यूराल भी बलित पर्वत है या फोल्डिंग माउंटेन है।
आप एशियन पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में भी है, ये सबसे पुराना ये फोल्डिंग माउंटेन है, इसको ध्यान में रखिएगा। त्यान श्यान ये रूस में है, ये सब एटलस में आप देखने की भी कोशिश करिएगा, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो ज़्यादा आप क्लियर समझ पाएंगे। त्यान श्यान, नान शान, कुनलुन शान, यहीं पर अल्टाई भी है, ध्यान दीजिएगा, अल्टाई लिखा नहीं है मैंने, अल्टाई को भी देख लीजिएगा। वहाँ खिंगन है, वहाँ पर ग्रेट खिंगन, अल्टाई खिंगन को भी देख लीजिएगा। एटलस है, एटलस जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, मोरक्को का जो पश्चिमी भाग है उस वहाँ पर ये है, तो मोरक्को में देखेंगे तो एटलस पर्वत आपको दिखाई देगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, यह भी एक फोल्डिंग माउंटेन है, बड़ा पुराना फोल्डिंग माउंटेन है, यह अरावली के टाइम का है, अरावली जब अरावली निर्मित हुआ था उस टाइप का टाइम का है, और अरावली और ग्रेट डिवाइडिंग अरावली आप जानते हैं ये भारत में है, उसी टाइम समय का ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह भी एक पुराना मोड़दार पर्वत है। भ्रंशोत्र पर्वत, ये सबकी लोकेशन आप जो है देखिएगा, एटलस को खोल करके यहाँ पढ़िएगा तो ज़्यादा आप क्लियर समझ पाएंगे। भ्रंशोत्र पर्वत या ब्लॉक पर्वत पर आएंगे, ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं ये महत्वपूर्ण है। वास जिस, जैसे हमने बताया था कि वास जिस कहाँ है, ये फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी भ्रंशोत्र पर्वत है, जर्मनी में है। हार्ट्स पर्वत, ये भी कहाँ है, जर्मनी में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत ये भी बताया, विंध्य हमारा ये ब्लैक ब्लैक क्या कहते हैं ब्लॉक पर्वत है हमारा, सतपुड़ा विंध्यन ये दोनों हमारे ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है, इसे नमक की पहाड़ी हम कहा करते हैं, जो आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं ये इसी पहाड़ी से आता है, कहाँ से, साल्ट रेंज से या नमक की पहाड़ी से। सियरा नेवादा है, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, और इस ये विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। कैसा ब्लॉक पर्वत, विश्व का सबसे विस्तृत फैला हुआ ब्लॉक पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि इस विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा इसका, सियरा नेवादा होगा। ज्वालामुखी पर्वत में, ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी वाले वीडियो को खोलिएगा, उसको दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, जितने ज्वालामुखी हैं वो ज्वालामुखी पर्वत हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, माउंटेन लिखा हुआ है। जैसे फ्यूजीयामा है, फ्यूजीयामा कहाँ है, जापान में है। ये माउंट कोबा कहाँ है, म्यांमार में है। माउंट केन्या कहाँ है, केन्या में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, ये तंजानिया में है। तो जितने भी आप जो है ज्वालामुखी वाले चैप्टर को देख लीजिएगा, जितने भी ज्वालामुखी हैं उन सबके नाम के आगे माउंट लिखा हुआ है, वो सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। इन सारे मैप में भी आप एटलस में उसका फिजिकल मैप निकाल लीजिएगा, और सारे की लोकेशन एक यदि आप आउटलाइन में भी बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, और सारे पर्वतों का एक लोकेशन आप बनाकर आउटलाइन में भरिएगा। जितने क्वेश्चन पर्वत से पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ चर्चा कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।